उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान का बचाव किया है, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि अफसरों की किचन कैबिनेट सरकार चला रही है। जीतू पटवारी ने कहा कि सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान की मंशा सिर्फ इतनी है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। जीतू पटवारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह की गर्मजोशी से हुई मुलाकात पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरी कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों का इस्तेमाल मीडिया अपनी सुर्खियों के लिए करती है। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार अफसरों की किचन कैबिनेट नहीं चला रही है, क्योंकि अफसर सिर्फ एक तंत्र का हिस्सा है। जीतू पटवारी ने लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के उस बयान का बचाव भी किया है, जिसे सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि सरकार पर अफसरों की किचन कैबिनेट हावी है। जीतू पटवारी ने कहा कि सज्जन वर्मा के इस बयान की मंशा कुछ और थी, जिसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ हर जगह कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात करते हैं और उसी परिपेक्ष में सज्जन सिंह वर्मा ने बात कही थी। किचन कैबिनेट अनुभवी नेताओं के साथ एक मुख्यमंत्री की होती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं। उन संभाग की क्या परिस्थिति है, उस संभाग की क्या परिस्थिति है, आदिवासी भाई अनुसूचित जाति भाई की क्या परिस्थिति है, अल्पसंख्यक भाई की, व्यापारियों की क्या परिस्थिति है, तो ऐसे लोगों की किचन कैबिनेट। इतने साल से हम लोग राजनीति में हैं तो हमने तो यही देखा है। अब अधिकारियों की किचन कैबिनेट होगी तो जिलों में संभागों में उनके मन के अधिकारी जाएंगे, इसलिए कार्यकर्ता की थोड़ी कुंठा है, जो मैं मुख्यमंत्री से कहूँगा। जीतू पटवारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच हुई मुलाकात को लेकर भी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों का इस्तेमाल मीडिया सिर्फ अपनी सुर्खियों के लिए करती है, जबकि पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। मैंने अखबारों में पढ़ा, देखा, आपके टेलीविजन पे भी मेरे संभावनाएं बनी। मैं मानता हूँ कि किचन कैबिनेट जो एक भावना थी आदरणीय सज्जन वर्मा जी की, कि पॉलिटिकल थाट को और मजबूत करना चाहिए, मोटे तौर पे उन्होंने ये कहा। मैं मानता हूँ कि एक एक कार्यकर्ता के कारण ये सरकार बनी, एक एक कार्यकर्ता का सम्मान रखना ये सभी परिवार के लोगों का दायित्व है। कमलनाथ जी हर कैबिनेट में और हर जो पार्टी की मीटिंग है उसमें इसको निर्देशित मंत्रियों को करते हैं कि सिर्फ आप जो चुन के जनप्रतिनिधि आया है उसका तो ध्यान रखना हमारा दायित्व है ही है, पर जिन कारण से कार्यकर्ताओं ने चुन के इनको भेजा है उनके लिए प्रथम सोच होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी की सोच वही है जो सज्जन भैया ने बोली। और जहाँ तक किचन कैबिनेट का, मैं तो जो भी मेरा काम मुख्यमंत्री के जरिए होता है मैं तो सज्जन भैया के पास ही देता हूँ और काम हो जाता है। मैं तो उनको किचन कैबिनेट का आदमी समझता हूँ। क्या हो गया अधिकारी है क्या किचन कैबिनेट में? मैं ये अधिकारी तंत्र का एक हिस्सा है और नेचुरल है कि व्यवस्था बनाने के लिए पॉलिटिकल लोग, एक पॉलिटिकल लोगों का काम है कि आप योजनाएं बनाओ और उनका इम्प्लीमेशन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए अल्टीमेटली व्यवस्था को करनी पड़ेगी। तो उनका अपना महत्व है, पर जनप्रतिनिधियों का और इनका अपना महत्व है, कार्यकर्ताओं का अपना महत्व है। कार्यकर्ता सर माथे पे, सर्वपरि हमारे सर के ताज। कुछ भी मंत्री जीतू पटवारी ने अतिथि विद्वानों की समस्या के पीछे का जिम्मेदार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ठहराया है और कहा है कि पिछली सरकार ने शिक्षकों के साथ धोखा किया है। जीतू पटवारी ने भरोसा दिलाया है कि कमलनाथ सरकार अपने वचन पत्रों में शामिल सभी वचनों को पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज।